ओम शांति। आज बाबा दे 29/10/2020 दे महावचन बाबा ने अपने बच्चियां नू कहा, मिठे बच्चे तुसी हुण कंडियां तो फुल बन रही हो, तुसी हमेशा सारिया नू सुख देना है, तुसी किसे नू भी दुख नहीं दे सकते हो। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे केड़े बोल खुले दिल नाल बोलणगे? उत्तर विच बाबा ने कहा, बाबा असी ता पास विद ऑनर होके ही दिखावांगे। ये बोल बड़े खुले दिल नाल बाबा कहंदे, बच्चे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे बोलणगे, बाबा असी ता पास विद ऑनर होके ही दिखावांगे, तुसी बेफिक्र रहो। उन्हां दा रजिस्टर भी वधिया होवेगा, उन्हां दे मुंह तो कदे भी ये बोल नहीं निकलणगे कि असी तां पुरुषार्थी हाँ, हजे असी तां पुरुषार्थी हाँ। पुरुषार्थ कर ऐदां दा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। ओम शांति। मिठे मिठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने नो आत्मा समझना चाहिदा है। निराकार बाप दे असी निराकारी बच्चे आत्मा पढ़ रहे हैं। दुनिया विच साकारी टीचर ही पढ़ाउंदे हैं। इत्थे है निराकार बाप, निराकारी टीचर, बाकी इस दी कोई कीमत नहीं है। बाबा कह रहे, शिव बाबा बेहद दा बाप आके तुहानू बहुत वैल्यूबल बना देंदे हन, माना इन्नी अनमोल बना देंदे हन। मोस्ट वैल्यूबल शिव बाबा है जो स्वर्ग दी स्थापना करदे हन, किन्ना उच्चा कम करदे हन। जिन्ना बाप उच्चे ते उच्चा गाया जांदा है, ओना ही बच्चियां नू भी उच्चा बनना चाहिदा है। तुसी जानदे हो सब तो उच्चा है बाप, ता ए तुहाडी है बुद्धि विच है बरोबर। असी स्वर्ग दी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ए संगम युग है, सतयुग अते कलयुग दे बिचला टाइम, पुरुषोत्तम बन दा संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर दा अर्थ भी मनुख नहीं समझते। उच्चे ते उच्चा, सो फिर नीच तो नीच भी बने हन। पतित अते पावन विच फर्क किन्ना है? देवतावां दे जो पुजारी हुंदे हन, ओ खुद वर्णन करदे हन। की देवतियां दे अग्गे जाके वर्णन करदे कि तुसी ता सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और अपने लिए की कहंदे आ कि मैं ता नीच पापी कपटी। ता बाबा कहंदे कि उन्हां दी किन्नी महिमा कर दी, और अपने लिए कहंदे कि असी विश्व वैतरणी नदी विच गोता खाण वाले हाँ। मैं पापी कामी किन्ना कुछ अपने लिए कहंदे। कहण मात्र सिर्फ कहंदे, समझदे थोड़े हन। ड्रामा बड़ा वचित्र ते वंडरफुल है। एहो जिहियां गल्लां तुसी कल्प पहले सुन देखो। बाबा आके समझाउंदे हन, जिन्ना बाबा दे नाल बहुत पूरा प्यार होवेगा, उन्हां नूं ओनी ही आकर्षण हुंदी रहेगी, कशिश हुंदी रहेगी। हुण आत्मा बाप नूं किवें मिले? मिलना हुंदा है साकार विच। निराकारी दुनिया विच तां कशिश दी कोई गल ही नहीं, उत्थे तां है ही सब पवित्र। बाबा कहिंदे कोई जंक निकली होईआं आत्मा ने, उत्थे इन्नी पवित्र आत्मा ने, कशिश दी कोई गल नहीं। उत्थे प्यार दी गल इत्थे ही हुंदी है। एदा नहीं बाबा नूं तां तुसी एकदम पकड़ लवो। बाबा आप तो एदा दे बाप नूं तां तुसी एकदम पकड़ लवो। बाबा आप तो माना तुसी तां कमाल करदे हो। हुण तुहाडी बाबा कह रहे, तुसी बच्चे की कहंदे हो बाबा नूं कि बाबा तुसी साड़ी जीवन ऐदां दी बनाउंदे हो
बहुत प्यार होना चाहिदा है। प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। याद दी यात्रा तो सिवाय कट नहीं निकलेगी। इन्ने प्यारे नहीं बनते हो तुसी फुल्ला नो ता इत्थे ही खिलना व फुल बनना है। बाबा किन्ने प्यार ना बच्चे नो समझा रहे कि तुसी फुल हो, इत्थे ही खिड़ना है और इत्थे ही फुल बनना है। फिर उत्थे जन्म जन्मांतर फुल बनते हो। किन्नी खुशी होनी चाहिए है कि असी कंडिया तो फुल बन रहे हाँ। फुल हमेशा सारियां नो सुख दिंदे हन। फुल तो सारे अपनिया अखां ते रखदे हन क्योंकि उन्हां च खुशबू आउंदी है। फुल्लां दा इत्र भी बनाउंदे हन, गुलाब दा जल बनाउंदे हन। बाबा तुहानूं कंडियां तो फुल बना रहे हन तां बच्चियां नूं क्यों नहीं खुशी होंदी? बाबा तो हैरान होंदे हन। शिव बाबा सानूं स्वर्ग दा फुल बनाउंदे हन। फुल भी पुराना हुंदा है ता एकदम मुरझा जांदा है ना। तुहाडी बुद्धि विच है कि असी मनुख तो देवता बनदे हाँ। तमो प्रधान मनुख अते सतो प्रधान देवत्यां विच बहुत फर्क है। ए भी सिवाय बाप दे होर कोई समझा नहीं सकदा। तुसी जानदे हो कि असी देवता बनन दे लई पढ़ रहे हाँ। पढ़ाई विच नशा रहना चाहिदा है ना। तुसी भी समझदे हो कि असी बाबा द्वारा पढ़ के विश्व दा मालिक बन रहे हाँ। बाबा कर्म अकर्म विकर्म दी गति भी समझाउंदे हन। गीता विच भी है परंतु इसका अर्थ गीता पढ़न वाले भी थोड़े जानते हैं। हुण बाबा द्वारा तुसी जानते हो कि सतयुग विच कर्म अकर्म हो जाता है। फिर रावण राज विच कर्म विकर्म होना शुरू हो जाता है। त्रेट जन्म तुसी एदा दे कर्म करदे आए, विकर्मा दा बोझा सिर ते बहुत है। सब पाप आत्मा बन गए हन। हुण ओ पास्ट दे कर्म विकर्म किमें कटणगे? जो कर्म किते होए ने बाबा कह रहे विकर्म ता ओ किमें कटणगे? तुसी जानदे हो पहला सतो प्रधान सी, फिर 84 जन्म लैंदे हो। बाप ने ड्रामा दी पछाण दित्ती है। जो पहला पहला आउणगे, पहला पहला जिन्हां दा राज होवेगा ओही 84 जन्म लैणगे। फिर बाबा आके राज भाग देवेगा। हुण तुसी राज लैंदे हो, समझदे हो कि असी किवें 84 दा चक्कर लगाउंदे हाँ। हुण पवित्र बनना है। बाबा नूं याद करदे करदे आत्मा पवित्र हो जावेगी, फिर ये पुराना शरीर खत्म हो जावेगा। बच्चियां नूं अपार खुशी रहनी चाहिए है, इन्नी बहुत खुशी रहनी चाहिए है। फिर बाबा दस रहे हैं अगली पॉइंट विच कि दुनिया विच ता अंधश्रद्धा दी देखो भक्ति बहुत है, सतयुग त्रेता विच भक्ति दी कोई गल नहीं है। वो डिपार्टमेंट ही अलग है। अद्धा कलप ज्ञान दी परालब्ध हुंदी है। तुहानू 21 जन्मां दा वरसा मिलदा है बेहद दे बाप तो। फिर 21 जन्म तुसी सुखी रहंदे हो, बुढ़ापे तक दुख दा नाम निशान नहीं हुंदा। फुल आयु माना पूरी उम्र सुखी रहंदे हो। जिन्ना वर्षा पौण दा पुरशारत करोगे ओना उच्चा पद पाओगे। ता पूरा पुरशारत करना चाहिदा है ना। तुसी देखदे हो कि नंबर वार माला किवें बनदी है, पुरशारत अनुसार ही बनेगी। तुसी स्टूडेंट हो, वंडरफुल। स्कूल विच भी बच्चियां नूं दड़ाउंदे हन ना निशान तक। एक निशान हुंदा है, बच्चियां नूं कहंदे हन कि उत्थे हाथ ला के आओ। तां बाबा कह रहे कि तुहानूं भी निशान तक दौड़ा के फिर इत्थे ही आउणा है। याद दी यात्रा नाल तुसी दौड़ कर जाओ, फिर तुसी नंबर वन विच आ जावोगे। मुख तां है ही याद दी यात्रा। कहंदे हन बाबा असीं भुल जांदे हाँ। बाबा कह रहे अरे बाप इन्ना तुहानूं विश्व दा मालिक बनाउण वाला ता तुसी उसनों भुल जांदे हो। बेशक तूफान ता आउणगे, बाबा हिम्मत दिलाउंदे हन, नाल नाल कहंदे हन कि इह युद्ध स्थल है, युद्ध दा मैदान है। युधिष्ठर भी असल विच बाप नूं कहना चाहिदा जो युद्ध सिखलाउंदे हन।
युधिष्ठर बाप तुहानूं सिखलाउंदे हन माया नाल तुसीं किवें युद्ध कर सकदे हो। इस समय युद्ध दा मैदान है ना, बाबा कह रहे काम महाशत्रु है, इस ते जित प्राप्त करन नाल तुसीं जगत जित बनोगे। तुहाडे मुख तो तुसीं मुख तो कुछ भी जपना या करना नहीं है, चुप रहना है। भगती मार्ग विच किन्नी मेहनत करदे हन, अंदर राम राम जपदे, माला फेरदे, उसनों कहा जाता है नौधा भगती। तुसी जानदे हो कि बाबा सानू अपनी माला दा बना रहे हन। माला फेरन लई बाबा नहीं कह रहे, बाबा कह रहे मेरे गले दी माला बन जाओ, माला दा मणका बन जाओ, नंबर वन विच आ जाओ। तुसी रुद्र माला दे मणके बनन वाले हो, जिसनों फेर पूछणगे। रुद्र माला अते रुंड माला बन रही है ना, विष्णु दी माला नू रुंड माला कहा जाता है, जिसनों दूजे शब्दां विच वैजंती माला भी कहते हैं। तुसी विष्णु दे गले दा हार बनते हो, किवें बनोगे? जदों दौड़ी विच विन करोगे तां बाप नू याद करना है, बाबा दी याद नाल ही विक्रम विनाश होणगे। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दित्ती। मिठे मिठे सिकिल अधे बच्चियां प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार अते गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप दी रूहानी बच्चियां नू नमस्ते। धारणा लई मुख सार है, पहला है आत्मा ते जो जंक चढ़ गई है उसनों याद दी यात्रा नाल उतार के बहुत बहुत लवली बनना है। लव मन प्यार एदां दा होवे जो बाप दी सदा कशिश मन एक आकर्षण हुंदी रवे, एक खिच नहीं पैंदी है, तो बाबा कहंदे वो बाप दी एक खिच महसूस होवे, आकर्षण महसूस होवे। दूसरा, माया दे तूफाना तो डरना नहीं है, महावीर बनना है, अपने अवगुणा नूं कढदे जाना है, सदा हर्षित रहना है, कदे भी हिलना नहीं है। वरदान है अपने अधिकार दी शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना नूं सहयोगी बनाउण वाले मास्टर रचयिता पव। विस्तार नाल बाबा ने दस्या त्रिमूर्ति रचना केड़ी, त्रिमूर्ति शक्तियां मन बुद्धि अते संस्कार, ए तुहाडी मास्टर रचयिता दी रचना है। इन्हां नूं अपने अधिकार दी शक्ति नाल सहयोगी बनाओ। जिवें राजा अपने आप कम नहीं करदा, कराउंदा है, करन वाले राज्य कारोबारी अलग हुंदे हन, एदां आत्मा भी करन करावनहार है, करनहार ए विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हन। तां मास्टर रचयिता दे वरदान नूं समृति विच रख, त्रिमूर्ति शक्तियां नूं अते साकार कर्मिंद्रियां नूं सही रस्ते ते चलाओ। फिर सलोगन है अव्यक्त पालना दे वरदान दा अधिकार लैण दे लई स्पष्टवादी बनो। अच्छा, ओम शांति।